Hey guys, welcome back to my channel. So welcome to the next vlog of Jaisalmer. Jaisalmer day 2. So पहला दिन मैंने तुम्हें दिखा दिया था भाई, बहुत थक गया था मैं. But this is the second day and I hope आज का दिन और भी अच्छा जाएगा. So stay tuned, तुम लोगों को मैं दिखाता रहूँगा अभी क्या होगा आज के दिन. आज हमें जाना है शायद से डेजर्ट सफारी पे एंड हम कैंप्स में भी रुकेंगे आज, तो बहुत मज़ा आने वाला है लिटरली. शायद से मेरे को थोड़ा सा सन टैन वगैरह हो गया था, तो मेरा फेस आज जब मैं सुबह उठा था प्लास्टिक जैसा हो रखा था भाई. मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया है, सो थैंक्स टू इट, वरना मैं अपना फेस हिला भी नहीं पा रहा था ढंग से. बहुत अजीब सा हो रहा है मेरा ना यहाँ आके. सो मम्मी रेडी होके आ गई हैं एंड पापा भी आ गए हैं. मैं सेकंड टाइम रेडी होके आई हूँ, मेरा एक स्लॉट पूरा हो चुका है. अच्छा, फोटोग्राफी करा चुकी हूं, तब मैं उठा नहीं था. एंड ये दोनों भी, हेलो गाइस. हेलो. एंड आशीष जी, इतनी नमी क्यों है आपकी आंखों में? आंखें तो दिखी नहीं रही. मम्मी की फोटो खींच रहा हूँ मैं एंड यही काम होता है मेरा आधे दिन. वैसे हमारी सपना फिर से आ चुकी है एंड मॉम आज आप नाराज तो नहीं हो? क्यों? तो मेरी आदत है. तो जाओ फिर, तू जहाँ हो मैं नाराज ना हूँ. बैठो बैठो, आराम से बैठो. और हम ये काफिला डेजर्ट में आ चुके हैं, बहुत अच्छे वेलकम के साथ. तो यहीं पर आज हमारा नाइट स्टे है एंड इट्स लाइक दिस प्लेस इज ऑसम. यहाँ पर शायद से आज डांस वगैरह होंगे रात में. तो वील बी स्टेइंग हियर. पापा हेलो. पापा तुम्हें घर का दिखाता हूँ कि यहाँ पर. यस हेलो मम्मी. हाँ दिखाना तो पड़ेगा ना, कहाँ रुक रहे हैं हम. बहुत अच्छे कैंप से मजा आ गया. यस सो ये रहा हमारा लगेज. हाँ दिखा रहा हूँ, अंदर ही सबसे बढ़िया है. यहाँ पूरे डेजर्ट में सबसे अच्छी चीज मुझे लगी यहाँ का बाथरूम. ब्रो इट इज गुड. ये देखो ये है टॉयलेट एंड कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है. कुछ अलग सी फीलिंग है, एक डिफरेंट कैंप में हम लोग रहते हैं उस तरह से. पूरा सैंड है चारों तरफ. अभी रात को थोड़ा रौनक आएगी, रात को ठंड भी हो जाएगी ना यहाँ पर. हाँ, बहुत गर्मी है. कपड़े पहनूंगी अच्छे वाले, स्कर्ट. वाओ शर्म आ गई मेरे को. इन दिनों घूम घूम के राजस्थान की धूप से सन टैन हो गया है. मैंने 3-4 बार सुबह से लगा चुका हूँ मैं सनस्क्रीन, बट नथिंग इज इफेक्टिव ब्रो. सो चलो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, वो भी यहीं पे ही है पास में, हमारे टेंट के पास ही है बहुत. बिल्कुल. सो हमने उस टाइम खाना खा लिया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आई डोंट नो, मैं भूल गया, मुझे माफ़ कर दो. बट नाउ वी आर गोइंग फॉर कैमल राइड. यहाँ का सनसेट बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर होता है ऐसा बताया जाता है. सनसेट बहुत बढ़िया होता है. तो कैमल राइड पे जाएंगे अभी, गाड़ी से ये लोग हमें वहाँ पे छोड़ेंगे और वहाँ से हम लोग फिर कैमल राइड करते हैं. ये पापा आप ये बातें बोलते हो, आपकी आवाज मोटी कैसे हो गई? और मेरे को ऐसा लगता है कि मोटी आवाज में बोलने से ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती होती है. मचाया शोर. हम लोग जस्ट आ गए हैं जैन टेम्पल. We are done with here, I guess. अब हम जाएंगे अगली जगह. अल्लाह तेरे को Avengers नहीं पसंद? अरे मैं starting से नहीं देखता. तू रहने दे बस, तुझे तो सारे vlog से काटूंगा मैं. हमें यहाँ भरी गर्मी में छाछ पिलाई आंटी जी ने. आंटी जी का जी रहने में चालू. Nice. And we are again in Sapna. Hello guys. Hello. Hello. हम अभी आ चुके हैं कुलधरा गांव एंड यहाँ पे मम्मी ने एक हिस्ट्री बताई. मम्मी बताओ. ऐसा कहा जाता है इस गांव में 600 लोग रहते थे और बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी थे. उस टाइम के हिसाब से उनकी जो मतलब बुद्धि थी या बहुत ज़्यादा एडवांस थी,
और किसी वजह से रातों रात उन लोगों को गांव खाली करना पड़ा और वो लोग रात ही रात में कहां गायब हो गए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जाने से पहले उस गांव को वो शाप देके गए थे कि हमारे जाने के बाद इस गांव में कोई भी कभी भी आबादी नहीं बस सकती है। तो कहते हैं आज तक भी वहां पे कोई रह नहीं सकता है, इसीलिए इस गांव को शापित गांव भी कहते हैं। एंड हमें यहां कुलधरा में एक पुराने शख्स मिले हैं जो कुलधरा के ही माने जाते हैं। हां मैं 200 साल पुराना हूं, ये उसी टाइम के हैं। हो गया बस अब यहाँ कभी, and I guess we'll be going to the desert now. Tiring. And then we are back to our camps. अब हम जाएंगे finally desert safari के लिए, जो मैं इस vlog की शुरुआत से ही 5 बार बोल चुका हूँ, desert safari. हम लोग जाने वाले हैं इस वाली कार में, कार नहीं क्या कहते हैं इसको, ट्रक कहते हैं, कार कहते हैं, जो भी है, ओपन जीप, जीप भी नहीं है यार ये। एंड वी आर रीच्ड। हेलो कैमल भैया कैसे हो? एंड ये वाला बिल्कुल ब्लैक डॉट्स लेकर एकदम हीरो बन रहा है। चलो चलो चलो। ओ भाई मैं लिटरली पहले फ्लोर पे हूँ। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। वाह कैमल भाई वाह, इतना अच्छा घुमाए तुम। इधर देखो, इधर स्माइल स्माइल स्माइल, इधर इधर, अरे इधर देख ले मेरे भाई, इधर इधर। हेलो हेलो ब्रदर, सही टाइम पे देखो। पहली बार आया हूँ यहाँ पे लाइक किसी डेजर्ट में, एंड मॉम डैड की एक वीडियो बनाएंगे हम, सूरज हुआ मत थम पे, मैंने सुना है वो ऐसी जगह पे शूट हुआ है। क्यों स्लाइड हो नहीं रहे, लेकिन जान के स्लाइड कर रहे हैं कि किसी तरह लगे हम स्लाइड कर रहे हैं। देख तेरी हैसियत मिट्टी में मिल गई। ये रेगिस्तान का अलग जानवर है, ये जानवर बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है, ये बहुत ही आलसी किस्म का जानवर होता है। अरे भैया इसका नाम क्या है? राजू। ओहो राजू, मेरा नाम क्या है तुम लोग जानते हो? मेरा नाम राज है, राज ग्रोवर। राजू भाई वेरी नाइस नेम। राजू भाई चलो यार आओ। और राजू भाई डरा रहे हैं, एंड वी आर ट्रेवलिंग बैक टू द प्लेस वेयर वी केम फ्रॉम। भाई मेरे वाला सबसे फास्ट क्यों जा रहा है? बहुत सही राजू। हेलो हेलो कैसे हो? एकदम मस्त है आप? बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा भाटी। हाय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। काफी मेहनत के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं टेंट पर, ऐसे में सावधान रहिए और सतर्क रहिए। सो हम लोग एक बार रूम पर आ गए थे क्योंकि मम्मी को क्लॉथ चेंज करने थे। आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रही हैं। ओह माय गॉड। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक देयर। मैं आपको दिखाता हूँ वहां पर क्या होगा।
देन आई विल कम बैक टू द रूम एंड एंड दिस व्लॉग। तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ऑब्वियसली कि डेजर्ट में रात को ठंड हो जाती है, तो हम देख भी सकते हैं भाई सुबह से गर्मी हो रही थी यहाँ और अब ठंड हो चुकी है। प्यारे प्यारे बच्चे मेरे लिए जैसलमेर से लाए हैं सिटी से, थैंक यू सो मच। हाय बोल दो व्लॉग को। हाय शुरू हो जाता है। हेलो सो गाइस, एक्चुअली यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने हमारे लिए ये एकदम सरप्राइज डिनर प्लान करा हुआ था, हमें नहीं पता था लिटरली। एंड इट्स लाइक ये पूरा यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रिक वर्क नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कैंडल्स ही कैंडल्स हैं। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मालूम। और ये डिनर जो प्लान हुआ है ये सब राज की वजह से हुआ है। जो इसके ओनर हैं वो राज के, मतलब जो इसके ओनर हैं उनके बच्चे राज के फैन हैं, उन्होंने हमारे को एक सरप्राइज डिनर और मतलब अरेंज करके दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मम्मी आपने तो जितने पैसे दिए उससे ज़्यादा बोल दिया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, तारीफ होती है मेरी कभी कभी इस घर में। सो गाइस डिनर एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, डे खत्म, हम भी खत्म। और पापा तो रूम में आके ऐसे सोते हैं जैसे सुबह से यहीं सो रहे थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डांस भी करते हैं, ग्रेटिट्यूड। सो गाइस इस व्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ चुका है। जैसलमेर का सेकेंड डे इज एंडेड, थर्ड डे कल से कम्प्लीट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। सो अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। बाय बाय। यू गॉट अ फ्रेंड इन मी, यू गॉट अ फ्रेंड इन मी।